नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। 18 साल के मतदाताओं की बनेगी वोटर। जी हां, 18 साल के मतदाताओं का वोटर कार्ड बनेगा। कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। मंडी धर्मशाला में खुलेंगे साइबर थाने। जी हां, मंडी और धर्मशाला में अब साइबर थाने खुलेंगे, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सड़क बंद, परीक्षा नहीं दे पाए स्टूडेंट। जी हाँ, कहाँ पर सड़क बंद हो गई और जिस वजह से स्टूडेंट्स जो थे वो परीक्षा नहीं दे पाए, पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे। तो यही आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देश भर के ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों में निःशुल्क घूमने के निर्णय को शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में भी लागू कर दिया गया है। संस्थान के ऐतिहासिक भवन में 16 अगस्त तक देश विदेश के पर्यटक निःशुल्क प्रवेश कर इतिहास जान सकेंगे। 7 से 16 अगस्त तक ये सुविधा मिलेगी। हिमाचल में ऊना के बचत भवन में जिला बीजेपी ने पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी नेताओं ने उनके बीजेपी को दिए गए योगदान और जिला में करवाए विकास के लिए उनको याद किया। साथ ही उनकी आत्मिक शांति के लिए एक मिनट का मौन भी रखा। नेताओं ने प्रवीण शर्मा के पार्टी के योगदान के लिए उनको याद किया। हिमाचल के कुल्लू स्थित 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल आयु पूरा करने वालों की मतदाता सूचियां बनाई जाएंगी, उनको मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए कसरत शुरू कर दी गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं SDM सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मनारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 16 अगस्त से 11 सितंबर तक SDM कार्यालय, संबंधित तहसील BLO कार्यालय और प्रत्येक मतदान केंद्र में किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की तृतीय बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी तक पूरे प्रदेश में 170 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उपायुक्तों के माध्यम से 17.50 लाख झंडे उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में मंडी और धर्मशाला में 2 नए साइबर पुलिस थाने बनाए जाएंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने साइबर पुलिस थाने खोलने का निर्णय लिया है। शनिवार को गृह विभाग की ओर से मंडी और धर्मशाला में 2 नए साइबर पुलिस थाने खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साइबर पुलिस थाने आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस होंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम के मामले हल करने के लिए पुलिस विभाग सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा। मंडी जिला में भारी बारिश का कहर जारी है। NH मंडी कुल्लू में भूस्खलन के कारण 4 घंटे बंद रहा। वहीं IIT मंडी कमान का संपर्क मंडी कमान कटौला मार्ग पर भारी भूस्खलन होने के कारण कट गया। IIT कमान से कैंपस से 300 मीटर पहले ही मार्ग पर पहाड़ी से भारी मलबा आ गिरा। पूरा दिन प्रयास करने के बाद भी इस मार्ग को कहीं से खोल नहीं जा सका। रास्ता बंद होने के कारण IIT कमान में कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा देने जा रहे दर्जनों छात्र छात्राएं वंचित रह गए। अंग्रेजी हुकूमत में भी अपनी प्रतिभा को मनवाने वाले बाबा भलकू की स्मृति में इस बार पहली बार शिमला कालका ट्रैक पर रेलवे में सफर के दौरान कहानी संस्मरण कविता और संगीत के सत्रों के साथ उन्हें याद करेंगे। ये पहला ऐसा अनूठा आयोजन है जिसमें स्टेशनों के नाम से कहानी संस्मरण कविता और संगीत के सत्र तय होते हैं। 13 अगस्त को ये यात्रा शिमला रेलवे स्टेशन से सुबह 10:40 पर चलेगी और बड़ोग में 1:40 पर पहुंचेगी। दोपहर के भोजन के बाद लेखक दूसरी रेल से 2:17 पर शिमला के लिए चलेंगे, जिसमें भी कई साहित्यिक संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर कृषि और बागवानी आयोग बनाएगी। फसलों का क्या न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, एंटी हेलनेट दवाओं, कृषि और बागवानी उपकरण पर कितना उपदान मिलना चाहिए, ये सब आयोग ही तय करेगा। कृषि और बागवानी क्षेत्र के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक में चर्चा हो चुकी है। 8 अगस्त को बैठक में इसका प्रारूप फाइनल कर दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पानी के लिए मारामारी शुरू हो गई है। शहर के कई इलाकों में शनिवार चौथे दिन भी पानी नहीं आया। पानी के लिए तरस रहे लोगों ने कंट्रोल रूम फोन घुमाए तो जवाब मिला कि एरिस से सप्लाई ठप होने से आज भी पानी नहीं आएगा। इसके बाद लोगों ने कंपनी से टैंकर भेजने की मांग की। टैंकरों की मांग इतनी बढ़ गई कि शाम 6 बजे तक कंपनी के कंट्रोल रूम में इसका आंकड़ा 41 पहुंच गया। कंपनी ने चक्कर समेत के इलाकों में टैंकर भेजकर लोगों की खाली बाल्टियां भरी। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के धपोटा क्षेत्र के दो खिलाड़ियों का चयन प्रो कबड्डी लीग के लिए हुआ है। इसमें धपोटा के खिलाड़ी बलदेव सिंह को गुजरात टाइटन ने 21.50 लाख जबकि नितिन चंदेल को पिंक पैंथर जयपुर की टीम ने 19.70 लाख रुपए में खरीदा है। बलदेव सिंह को पिछले वर्ष पुनेरी पल्टन ने पिछले 60 लाख रुपए में खरीदा था। उससे पहले वे बंगाल वॉरियर से खेले थे। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य स्टीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।